क्या आपने कभी सोचा है कि संपन्न परिवारों में ही ज्यादा रोग क्यों आते हैं? मेरे कहने का भाव ये है कि खाने पीने की कमी नहीं है, फल घर में आते हैं, अच्छी सब्जियां आती हैं, सारे मिलकर खाते हैं, फिर दूध भी पीते हैं, उसकी भी कमी नहीं है, रोटी दाल चावल हर चीज पड़ी है, खा भी रहे हैं, फिर भी कमी आ रही है। कोई ना कोई बीमारी बनी हुई है, घुटनों में ग्रीस कम हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है। ये क्यों हो रहा है? दरअसल जितना हमारे आयुर्वेद में, हमारी संस्कृति में, हमारे ग्रंथों में आहार का महत्व बताया गया है, उतना ही महत्व उपवास का भी बताया गया है, ना खाने का भी बताया गया है, जिससे हम कई बार चूक जाते हैं। अगर आपने 14 दिन लगातार खाया है तो एक दिन भले ही ना खा करके थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, भले ही थोड़ा वजन किसी का गिर सकता है, थोड़ा उसको उस दिन के लिए थकान लग सकती है, लेकिन उसके बाद अगले 14 दिन तक जो उसकी इम्यूनिटी, जो उसकी अंदर की विल पावर, संकल्प शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति, ये सब बढ़ेंगी, जो वो काबिले तारीफ होंगी। वो किसी दवाई से, किसी रसायन से, किसी औषध से शायद ना आ पाए। जितना हम खर्च सौंदर्य प्रसाधन पे करते हैं कि किसी तरह की बाहर से क्रीम लगा लेना, थोड़ा सा उस पे कोई फेस वॉश लगा लेना, कुछ स्क्रबिंग कर लेना, मुझे लगता है कि अंदर से भी उतनी ही हमें काम करने की ज़रूरत है। जब हम एक दिन 14 दिन के बाद एक दिन के लिए बिल्कुल उपवास में रह करके फल, ज़्यादा से ज़्यादा जूस, या फिर कभी बहुत भूख लगे तो हल्की फुल्की कोई छाछ पी लेते हैं या नारियल पानी, नींबू पानी पे ही रहते हैं, अपनी अपनी डील डोल के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, जितना जिससे बन पाए। आहार में जो अन्न है, दालें हैं, दूध है, या जो ऑयल्स हैं, घी, तेल, चिकनाइयाँ हैं, इनसे जब हम एक दिन के लिए अपने आप को दूर कर लेते हैं तो पेट को आराम मिलता है। इतना ही नहीं, जब पेट हल्का आराम लेने लगता है, उस पे ज़्यादा उस दिन वजन नहीं आता, उस दिन शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, बाहर निकलते हैं। उस दिन शरीर धीरे धीरे हमारे अंदर की चमक पे काम करता है, हमारे ग्लो पे काम करता है, हमारे ओज तेज पे काम करता है, हमारी जो वीर्य का बल है उसकी रीएब्जॉर्प्शन पे काम करता है। उस दिन हमारे थॉट्स जो होते हैं, विचार जो होते हैं, मन जो है, माइंड जिसको आप कहते हैं, जिसे आप पकड़ नहीं पाते हैं, उसे आपका जो अंदर का सिस्टम है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए ब्रेन में, वही तो थॉट है, वही तो इमोशन है, वही तो आपकी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा, मेरे को ऐसा नहीं फील हो रहा, वो सारे डिटॉक्स होने लगते हैं। शर्त यही है कि एक दिन भले ही इस चीज़ को समझा जाए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, या मैं कह दूँ कि मैं अपने धर्म में मेरे सिखाया गया है कि एकादशी करो इसलिए मैं कर रहा हूँ, भले ही फिर उसे अपनी गहरी अंतःकरण में ये समझ से जोड़ लो कि भाई मेरे इससे स्वास्थ्य बढ़िया होगा, मैं हमेशा इससे अपने आप को अंदर और बाहर से बैलेंस्ड बना के रख सकूंगा। जब इतना समझ में आ गया तो मुझे लगता नहीं है कि कोई व्यक्ति को फिर बार बार जबरदस्ती करने की ज़रूरत है कि मत खाओ, एक दिन उपवास करो, उपवास करो, क्योंकि सही समझ से वो जुड़ गया। सही समझ से जुड़ते ही इंसान के अंदर से अपने आप इच्छा पैदा होती है कि वह भी ये चीज़ करे। दूसरी तरह से यदि हम उसको बताते हैं कि भाई इससे भगवान मिल जाएंगे, इससे तुम्हें प्रसन्न हो जाएंगे भगवान, वो एक धर्म में, अध्यात्म में ये बताने के तरीके अच्छे हैं, सुंदर हैं। हो सकता है भगवान को भी अच्छा लगता हो कि इसने कुछ छोड़ा। ग्रहण करने में तो सब लगे हुए हैं, खाने पीने में तो सब लगे हुए हैं, एक दिन छोड़ने की ताकत जिसके आ गई वो कुछ भी कर सकता है। मेरे ख्याल से उसका संकल्प, उसकी एनर्जी, विल पावर बहुत बढ़ने लगती है, क्योंकि पाने से ज़्यादा बड़ा छोड़ना है, त्याग है। तो ये भी एक अपने आप में साधना ही है। अगर आप कर पाए तो। और ग्लो पे आपको फिर कह दूं कि अंदर से चमक आने लगती है शरीर में, और आपको लोग देख के कहने लगते हैं आपका ऑरा बड़ा अच्छा है, आप इसके लिए क्या करते हैं। तो वही बात है कि जब मुझे लोग पूछते हैं कि घुटनों की ग्रीस के लिए कुछ बताओ, मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, वो फिर से मुझे कहते हैं कि ये सब हम ले रहे हैं लेकिन ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। तो मेरे को भी सोचना पड़ जाता है कि कहाँ कमी है। तो फिर अंत में जब हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी समझ से, अपने अनुभव से जब हम उसको तोलते हैं, परखते हैं, जांचते हैं, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि वो खाने पे तो जोर दे रहे हैं, उपवास पे नहीं दे रहे, विश्राम पे नहीं दे रहे। तो जरूर करिए आज से उपवास। एकादशी के दिन, उस दिन नींबू पानी, नारियल पानी या थोड़ा जूस आदि पर रह करके, ज़्यादा से ज़्यादा फल ले करके, एक समय दो समय, जितना आपकी, धीरे धीरे ही घटेगा। मुझे समझ है इस चीज़ की कि एक ही दिन अगर आपको मैं कहूँ कि बिल्कुल निराहार रह करके जल पे रह लो, तो वो आपके लिए भी संभव नहीं होगा, आपके शरीर के लिए भी आपकी इच्छा शक्ति उतना नहीं कर पाएगी। तो जितना बन पाए सहज हो करके, क्योंकि सहजता में ही असली जो है रस है। तो बैलेंस रहिए, सहज रहिए, उपवास करिए और ग्लो पाइए। यही है असली तरीका अंदर से नेचुरल ग्लो को बाहर निकालने का। और फिर मुझे आप मिलिए इसी चैनल पर, इसी जगह पर, नई जानकारी के साथ मैं मिलूंगा आपके साथ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी मुझे नीचे बताएं। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये भी साझा करें। ये बताना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपकी प्रॉब्लम्स आप मुझे बताते हैं। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा पढ़ करके। कई बार मेरी कही हुई बात से इतनी प्रेरणा नहीं मिलेगी किसी को, जितनी आपके नीचे कमेंट करके प्रेरित कर देने से मिल जाएगी। तो ज़रूर अपनी जिम्मेवारी निभाएं। मेरे आयुर्वेद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स आनंदम आयुर्वेद के नाम से आपको संस्कृतिबाजार.com पर मिल जाएंगे। वो भी ज़रूर आजमाएं। घर घर में आयुर्वेद पहुँचे, योग पहुँचे, हमारी संस्कृति पहुँचे। यही मेरी प्रयास भी है और यही मेरा संकल्प भी है। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, नमस्कारम। आनंदम आयुर्वेद की तरफ से मैं नित्यानंदम श्री लेकर के आया हूँ आप सबके लिए। मोटा अनाज, श्री अन्न, मिलेट्स, जो कि वजन नहीं बढ़ाते, पचने में जल्दी पच जाते हैं, फाइबर ज़्यादा है, हड्डियाँ मजबूत करते हैं, बच्चे से बुजुर्गों के लिए अच्छे हैं। और बदल बदल कर जब हम अनाज खाते हैं, सिर्फ गेहूं चावल पर ही निर्भर नहीं रहते, तो हमारा स्वास्थ्य और ज़्यादा बढ़िया रहता है, हम बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए इस साल भारत सरकार मिलेट ईयर मना रही है। आप भी आनंदम आयुर्वेद की तरफ से ये मिलेट्स जो मैंने घर घर पहुँचाने का बीड़ा उठाया है, एक बार ज़रूर मंगवाएं और घर में इसे अपनी रसोई में शामिल करें। आनंदम आयुर्वेद के मिलेट्स।